नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हॉर्स की ड्राइंग किस तरह की जाती है। हॉर्स एक एनिमल है, तो हॉर्स एनिमल की ड्राइंग हम किस तरह से करते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने सर्कल को दो लाइंस के थ्रू दूसरे सर्कल में जोड़ दिया है। ये हमारा जो है गर्दन और बॉडी के बीच का पोर्शन। उसके बाद आप पीछे के पैरों के लिए भी आप सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो इन तीन सर्कल्स के थ्रू मैं हॉर्स की ड्राइंग करूंगा। देखिए किस तरह से ये सर्कल्स ही मेरी गाइडलाइंस हैं इंटायर बॉडी को हॉर्स की बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैं जो ऊपर वाला सर्कल है उसमें हेड को ड्रॉ करूंगा। हॉर्स के हेड को आपने देखा होगा किस तरह से होता है, और हॉर्स की नाक इस तरह से। उसके बाद हॉर्स के हेड को मैं थोड़ी सी और डिटेल कर देता हूँ। इस सर्कल्स के थ्रू ही मैं हॉर्स को ड्रॉ करूँगा। देखिए, हेड मैंने ड्रॉ किया है ऊपर वाले सर्कल पे, और आई की पोजीशनिंग आपको जाननी होगी कहाँ पे आई होता है। तो हॉर्स की आई मैंने ड्रॉ किया है, और यहाँ से आप थोड़ा सा डिटेल करते जाइए अपने हॉर्स को। आप हॉर्स या किसी भी एनिमल को आप ऑब्जर्व करके उसकी ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए, इस तरह से सर्कल्स के थ्रू और गाइडलाइंस के थ्रू। देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने ड्राइंग को डिटेल करिए, और ज़्यादा उसको निखार के आप काफ़ी अच्छा ड्राइंग बना पाएंगे। तो तीनों सर्कल्स को मैं मिला रहा हूँ हॉर्स की बॉडी ड्रॉ करने के लिए। देखिए, हॉर्स के दोनों पैर जो हैं आगे और पीछे वाले सर्कल्स में, इस तरह से मुझे पैर को ड्रॉ करना है। तो देखिए, सर्कल्स के थ्रू मैंने हॉर्स के इंटायर बॉडी को ड्रॉ किया है। सर्कल को ही मैंने गाइडलाइन मानते हुए, और इस तरह से आप ड्रॉ करते चले जाइए। तो ऊपर वाले सर्कल पर हेड की पोजिशनिंग, बीच वाले सर्कल पर सामने का जो दो पैर होता है उसे मैंने ड्रॉ किया है, और जो लास्ट पीछे वाले सर्कल पर मैं पीछे के जो पैर होते हैं उनको ड्रॉ करूँगा। आपने देखा होगा कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनके पैर लगभग एक समान होते हैं, चाहे गाय हो, बैल हो, बकरी या घोड़े। तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स के पैर लगभग एक समान होते हैं। तो यदि आप घोड़े या गाय के पैर बनाना सीख जाते हैं, तो आप बाकी सारे डोमेस्टिक एनिमल्स के पैर बनाना आसानी से सीख जाएंगे, और उनके बॉडी को भी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए, पीछे के हॉर्स के पैर किस तरह आपको ड्रॉ करने हैं। पीछे के पैर मुड़े हुए होते हैं, और कहाँ कहाँ जॉइंट होता है पैर में, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद पैर पूरी तरह से आपको ड्रॉ करना है, और खुर वाला जो हिस्सा है पैर के नीचे वाले, उसको भी आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरह से सामने वाले और पीछे वाले पैर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो इस तरह से जो पीछे वाले पैर के पोजीशन होते हैं या जॉइंट होते हैं, उनको आपको ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो हॉर्स के पूंछ होते हैं वो थोड़े से बड़े झबरेले होते हैं, तो उसको आपको बनाना ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से ड्राइंग करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप शुरू में आप अपने ड्राइंग, जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करना चाहते हैं, उसकी आउटलाइन तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप उसकी डिटेलिंग करिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक इंटायर हॉर्स की बॉडी को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसे थोड़ी सी डिटेल करूँगा। जब आप अपने ड्राइंग से सेटिस्फाइड हो जाएं, तब आप उसकी डिटेलिंग शुरू कर सकते हैं, उसकी शेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ड्राइंग की आउटलाइन को मैं थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल करके रिटच दे रहा हूँ, थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि हॉर्स का जो बॉडी है वो किस तरह से होता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप अच्छा रिजल्ट अवश्य पाएंगे। तो देखिए, इस तरह से जो बाल होते हैं गर्दन और हेड के ऊपर हॉर्स के, उसे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप हॉर्स या कोई भी एनिमल ड्रॉ कर लीजिए, और उसकी डिटेलिंग आप शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जो हेड पे बाल होते हैं गर्दन पे, उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जो शेड वाले एरियाज हैं उन्हें मैं थोड़ी सी डिटेल कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह हमें ड्राइंग करनी है, और किस तरह हमें ड्राइंग को परफेक्शन की ओर ले जाना है।
तो देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे डिटेलिंग शुरू करते जाइए, धीरे धीरे छोटे छोटे डिटेल्स को बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आप ड्राइंग के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकें और आप हर तरह की ड्राइंग को करने में एबल हो सकें। तो मैंने ह्यूमन ड्राइंग्स के कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा ड्राइंग्स के बारे में जानकारी मिलेगी। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, टाइम लैप्स वीडियोस, चाक बोर्ड में ड्राइंग किस तरह की जाती है और ट्यूटोरियल्स वीडियोस मैं कंटिन्यूस इस चैनल के थ्रू आपके लिए लेकर आता जा रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जुड़ जाइए मेरे साथ, ताकि आप हर तरह की ड्राइंग ट्यूटोरियल वीडियोस को देख सकें और सीख सकें। तो देखिए लगभग थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने कर दी है हॉर्स की, जिससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह हमें किसी एनिमल को ड्रॉ करना है। आप अलग अलग पोजीशन में खड़े हुए या दौड़ते हुए एनिमल्स की ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले और कई तरह की आप ड्राइंग में परफेक्शन पा सकें। सो आई होप आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहिए।